प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद रफ्तार पकड़ने लगी है। विस्तारीकरण के तहत एयरपोर्ट का रनवे 3010 मीटर होना चाहिए। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तारीकरण का ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि पूर्व में रनवे की लंबाई 2450 मीटर करने की प्रपोजल थी, जिसमें अब और इजाफा किया गया है, जिससे कि बड़े जहाज भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की कवायद रफ्तार पकड़ने लगी है। विस्तारीकरण के तहत एयरपोर्ट को रनवे 3010 मीटर होना चाहिए। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तारीकरण का ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि पूर्व में रनवे की लंबाई 2450 मीटर करने की प्रपोजल थी, जिसमें अब और इजाफा किया गया है, जिससे कि बड़े जहाज भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत इसके आसपास और भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके लिए भूमि प्रारूप तैयार किया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में कौन सी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया था, जिस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें रनवे की लंबाई 3010 मीटर के आसपास है। एयरपोर्ट के आसपास और भी सुविधाएं आएंगी, जिसके लिए भी अथॉरिटी ने मसौदा तैयार किया है। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह एक बैठक हुई है तथा सरकार की ओर से नेगोशिएशन कमेटी की नोटिफिकेशन कर दिया गया है। कौन कौन सी जमीन इसके अधीन आने वाली है, उसका मसौदा तैयार करके सरकार को भेजा जाएगा। सरकार के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया था और उन्होंने जो ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है उसमें जो रनवे का लेंथ है वो लगभग 3010 मीटर के आसपास है, और उसके उपरांत और भी जो जमीन है, क्योंकि और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी एयरपोर्ट की, तो उसके लिए भी कुछ मसौदा उन्होंने तैयार किया हुआ है। उसी संबंध में पिछले हफ्ते अभी बैठक हुई थी और सरकार की तरफ से जो नेगोशिएशन कमेटी है उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, और जल्द ही कौन कौन सी ज़मीन इसमें आने वाली है उसका मसौदा तैयार किया जाएगा और सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ज़मीन उसमें आएगी ड्राफ्ट प्लान के हिसाब से, फिर वो सरकार को भेजा जाएगा और जो फैसला है वो सरकार के स्तर पर। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।